तो फाइनली 150 फंक्शंस के बाद अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी फाइनली कंप्लीट हो गई है। लेकिन हम प्रीटी श्योर है कल से ही पोस्ट वेडिंग सेलिब्रेशंस शुरू कर देंगे। एट दिस पॉइंट आप और मैं ही नहीं अनंत भी थक चुका है यार। थक चुका हूँ यार, कोई पापा को समझाओ प्लीज के बस करे। बट ऑनेस्टली शादी में सब था गजब का। बाबा रामदेव के डांस से लेके दिशा पटानी पे लट्टू होते हुए लुच्चे पैप्स तक। लगता है कभी कभी ना ये लोग भूल जाते हैं कि इनके कैमरास और माइक्स ऑन है। अभी ये हरकत बिग बॉस के घर में करी होती ना तो अरमान से रैप्टे पड़ चुके होते हैं। खैर देखो, मुझे तो ये वेडिंग बिल्कुल अपने घर जैसी लगी। नहीं इसलिए नहीं कि मेरे फैमिली ग्रुप में इनके लहंगों से लेके इनके कार्ड तक सारी बातें हो रही थी और मेरे फ्रेंड्स ग्रुप में इनके पैसों से लेके परफॉर्मेंसेस तक की बातें हो रही थी, बट इसलिए क्योंकि यहाँ भी सालों के बाद मिलने वाले दो अंकल्स बेस्टीज की तरह नाच रहे हैं। यहाँ भी बच्चे बीच में घुस घुस के फोटोज खराब कर रहे हैं। बेटा इधर आओ, मामू की शादी है आपकी नहीं, सुनो संभालो इसको। यहाँ भी दूर के मेल रिश्तेदार ऐसे हाथ पीछे करके घूम रहे हैं। यहाँ भी लोग डीजे के गाने बदलने के बीच में से ऑकवर्डली खड़े होके क्लैपिंग कर रहे हैं। और यहाँ भी भीड़ भाड़ के बीच में देसी अंकल्स अपना फोन निकाल के ऐसे व्लॉगिंग कर रहे हैं। ड्रॉप अ लाइक अगर आपके भी पापा ताऊ जी चाचा या कोई ऐसा करते हैं। अनुपम जी रहने दीजिए, अंकल प्लीज स्टॉप। I guess अनुपम अंकल के फोन से ज्यादा इन योर फेस बस एक ही चीज थी और वो थी कुछ न्यूज चैनल्स की सनसनीखेज खबरें। मतलब कोई शादी जैसे टॉपिक को भी कंट्रोवर्शियल बनाना इनसे सीखे। जमकर नाचे सलमान शाहरुख, आमिर क्यों गाया, अंबानी परिवार ने जोड़े हाथ, बच्चन परिवार ने बहू को अकेला छोड़ा, सिर्फ एक गाने के लिए ली इतनी मोटी रकम, सास वाला काम रेखा ने किया, देखती रह गई बच्चन फैमिली, सालों बाद थामा सलमान का हाथ, चलो बुलावा आया है अंबानी ने बुलाया है, दौलत का ऐसा भोंडा प्रदर्शन। लेकिन यार इतनी तो मेरे को ये बॉन्डा वर्ड सुन के नहीं आई जितनी इन पैप्स की बातें सुन के आती है, क्योंकि बॉलीवुड का कोई इवेंट और इंडियन पैप्स बदतमीजी ना करे ऐसा कैसे हो सकता है। पतंजलि से लो है इसके बाद चल रहे वो अपनी संगत करे। बेचारे लॉ रोज को मेट गाला के कॉकरोच से भी गंदा ट्रीट कर रहे हैं लोग। इन द थिंग इज ये किसी को नहीं छोड़ते। जेंटलमैन वो तो बेचारा शर्माएगा ही, तुम्हें शर्म कब आएगी। भारती ना आ रही कुछ भी बेचारा नहीं, कभी पिछले साल के ट्रॉमा से उभरा नहीं होगा, उसको नया और दे दिया। मुझे तो यकीन है कि सूनर और लेटर अंबानी इन पैप्स को ना बैन ही कर देंगे, क्योंकि ये यूके के एक्स पीएम टोनी ब्लेयर को ये बुला रहे और जिनको ये जानते नहीं है या तो ये उनकी फोटो नहीं खींचते या तो उन्हें जल्दी दफा होने को बोल देते हैं या एक दूसरे से ही पूछने लग जाते हैं वाइल रिकॉर्डिंग। जी मैं बताता हूँ, ये दोनों आमिर खान की फैमिली के दो नमूने हैं जो समहाउ अपनी शादी पे जोकर बन के घूम रहे थे बट आज अच्छे कपड़े पहन के आए हैं। अच्छा लेकिन एक बात तो है कि ये पैप्स किसी के सगे नहीं होते। मतलब जॉन सीना के आते ही जो इग्नोर किया है ना इन लोगों ने जग्गू दादा और उनके पौधे को, इतना इग्नोर तो टाइगर भी नहीं करता अपनी मूवीज में एक्टिंग को। They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine. लेकिन एक्टर्स छोड़ो, ये लोग तो एक दूसरे के सगे भी नहीं होते, इसीलिए वहाँ पे ये आपस में ही गाली गलौज करके लड़ने लग गए। वाह कितना पारिवारिक माहौल है। अच्छा और आप इनके वीडियोस देख देख के थक जाओगे लेकिन ये अपलोड करना नहीं छोड़ेंगे। अबे इतना लंबा तो इवेंट नहीं था जितना तुमने कंटेंट बना डाला। एंड स्पीकिंग ऑफ कंटेंट, अब ना यार मैं कंटेंट क्रिएटर्स को ऐसी जगहों पे देख के लाइक अंबानी वेडिंग या कैंस फेस्टिवल कंफ्यूज हो जाता हूँ, इतना कंफ्यूज। और जो प्रधानमंत्री ने भारत के लिए किया है, ओके सब कुछ भारत के लिए किया और सब कुछ छोड़कर उन्होंने भारत के लिए इतना सब किया है। अरे कहना क्या चाहते हो। सी अगर कोई एजेंसी या ब्रांड ऐसे इवेंट्स पे पहुंचाती है तो कॉल मी मेबी। लेकिन आई विल बी ऑनेस्ट के इन्फ्लुएंसर्स को वहां पे देखने से ज्यादा कंफ्यूजिंग था दूल्हे के दोस्तों को ऐसे जमीन पे लौटते देखना, इस कुल्हाड़ी को हर जगह उड़ते देखना, इन भाई साहब को रणबीर को कार्ड देते देखना और अनंत को हर जगह एंट्री एक एटीवी पे करते देखना। गट्स चाहिए भाई सलमान खान को पीछे बिठा के ड्राइव करने में, ऑल्दो ये फिर भी बेटर ही है सलमान जी को स्टीयरिंग व्हील देने से। वैसे पता है इनकी कुछ परफॉर्मेंसेस से तो स्कूल के एनुअल डे फंक्शन वाली वाइब आ रही थी। ये शादी के हिसाब से थोड़ी डिफरेंट चॉइस है बट फिर भी लाख गुना बेटर है इससे।
आई गेस कमी रह गई है तो बस दो चार ड्रंक वीडियोस की रह गई है जो अनफॉर्चुनेटली मुझे नहीं लगता हमें मिलने वाले हैं, इसीलिए हमें उर्फी के इस वीडियो से काम चलाना पड़ेगा। स्प्लिट्सविला की मिस्चिफ मेकर। तो क्या हुआ अगर उर्फी इनवाइटेड नहीं थी, थोड़ा करके तो कर ही सकती है ना। वैसे इनवाइटेड तो राखी सावंत जी भी नहीं थी, येट शी वाज ट्रेंडिंग यू नो। इंडिया की नहीं यूएसए की साखी रावंत और मर्लिन खोपड़ा, जिन्हें वैसे तो इंडियन फूड डिस्गस्टिंग लगता है लेकिन ये पैसे खाने के लिए कुछ भी खा लेंगी। इफ यू नो यू नो। इट्स नॉट ओके दैट इट्स नॉट। देखो मैं खुले में बोल रहा हूँ, आई एम अ स्विफ्टी और इसने टेलर स्विफ्ट से पंगा लिया था एक बार, पर मैं अपनी लाइफ के विलन्स को माफ कर सकता हूँ लेकिन इस नागिन को नहीं। ओह माय गॉड कोर्टनी, दिस इज सो अननोइंग। ऑल्दो सच में राखी सावंत और शर्लिन चोपड़ा से कम नहीं है ये लोग। And yet again, हमारे पैप्स ने इनको भी नहीं छोड़ा। But you know what? मैंने ना बहुत बकबक कर ली। Now let's see कि लोग क्या बोल रहे हैं across social media और specially क्या-क्या memes बन रहे हैं। अमिताभ जी जया जी को कह रहे हैं, ये तुम्हारा घर नहीं है, हम शादी में आए हैं, एटलीस्ट इधर तो सड़ा हुआ थोबड़ा मत बनाओ। एक्चुअली बहुत सही बात है लेकिन I'm pretty sure इस पे जया जी का बस एक ही जवाब होगा, अमित जी यू आर सो इम्प्रॉपर। The only thing Disha Patani is consistent in is the same format of sarees she wears at every event. Now that I actually think about it, मुझे नहीं लगता मैंने दिशा को इन कपड़ों के अलावा किसी चीज में देखा है। लगता है दिशा पटानी को अपने फैशन की दिशा पता नहीं। खली जी अंबानी जी को धमका के पूरे देश में इंटरनेट फ्री करवा दो। एक्चुअली आई हैव अ बेटर कैप्शन, मुकेश अंकल विद मुकेश अंकल। लूडो बोटीज भी लाइक चार कलर में, और एक्चुअली इनके ड्रेसेस के पीछे अनंत ब्रिगेड भी लिखा है, जो चलो एक बार को फिर भी समझ आता है। लेकिन कुछ लड़कियां जो अपने शादी के जोड़ों पे लिखवा लेती है ना, इसकी बीवी, मैं तेरी, तू मेरा हीरो, that is very cringe. मतलब सच में I am judging you. I know Deepika wishes she could keep him on a leash. OMG. यार सी आई अंडरस्टैंड रणवीर, आप बहुत ओवर एनर्जेटिक हो, बट सच में यार किसी की भी शादी में जाके ऐसे ऊपर चढ़ चढ़ के नहीं नाचना होता। आई मीन जस्ट इमेजिन कि तुम्हारे घर की शादी और तुम्हारी पड़ोस की आंटी के बेटे के दोस्त का भाई तुम्हारे घर में आके स्टेज पे चढ़ के नाच रहा है। मेरे को ये बोलते हुए ना थोड़ी माया सारा भाई वाली फीलिंग आ रही है, लेकिन रणवीर बेटा दूसरों की शादी में ढोल पे चढ़ चढ़ के नाचना इज कैटास्ट्रोफिकली मिडिल क्लास। अब तो मेरे को लगता है कि वो रेमा ने जो 25 करोड़ लेके गाना गाया ना काम डाउन, वो रणवीर के लिए ही गाया कि रणवीर यू नीड टू काम डाउन। ओके ये थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल हो सकता है। सेव भुजिया, दे कुड हैव गिवन अ बोनस ऑफ 25,000 टू 32,000 रिलायंस एम्प्लॉइज विद द मनी दे गेव टू जस्टिन बीबर। यार इसमें ना तो इसमें सच बता रहा हूं मेरे को पढ़ना ही नहीं है, मतलब जिसका पैसा उसको साजे। राधिका मर्चेंट चोजेस मोगरा फ्लावर्स ओवर डायमंड्स फॉर हल्दी, किसी ने नीचे कमेंट करा है क्यों भाई रिचार्ज तो करवाया था मैंने। Well, that's very deep. वैसे रिचार्ज तो मैंने भी कराया था जियो सिनेमा का 89 रुपीज का, तो कम से कम मोगरे के फूल की जगह गुलाब तो बनते हैं। अनिल कपूर गिविंग प्रॉपर बाराती वाइब्स, या बिकॉज ही इज वेरी हैप्पी कि फाइनली उनको बिग बॉस वालों ने एक दिन की छुट्टी दे दी। एंड ही इज हैप्पियर कि कल उनको जाते ही चंद्रिका को घर से बेघर करना है। इतना बेसन फेंकूंगी क्या मैं? इतनी अमीर हो गई मैं। Gen Z version of SRK and Deepika. Well, first of all, वो भाई बहन है, एंड दूसरी चीज दीपिका और SRK पता नहीं, बट वो SRK और SRK जरूर लग रहे हैं। NRI cousins attending a desi wedding and thinking कि उनको importance मिलेगी, नहीं मिलती। लेकिन हाँ क्लोई के बारे में राखी सावंत the queen ने स्टोरी लगाई है, so she kind of won. In speaking of राखी, क्लोई कार्डशियन's energetic dance at अनंत राधिका wedding. बैंड की पकौड़ी। Honestly, Chloe could never. अनंत की शादी देख के लगता है कि ईशा और आकाश adopted है भाई, मतलब अभी उनका घर बसा नहीं कि फूड डलवाने वाले पहले आ गए। She's dressed up like she's going to sing Satyam Shivam Sundaram. That's very bad. ये गाना ना मेरे घर में actual में चलता है as a भजन, so please don't ruin it. Although बात तो सही है। वैसे इसी ड्रेस में ही ऑटो में भी घूमे, जहां आई एम रियली होपिंग कि ऑटो वाले भैया ने इनसे 100 रुपए की जगह $100 मांगे। कॉलेज में जिस लड़की से 10 बार फ्रेंड जोन हुआ था, रियूनियन में मिल गई। ये लिटरली एक ऐसी इमेज है जो एडिटेड है, बट इट इज ब्रेकिंग द इंटरनेट। सच में मैंने अनंत और राधिका की इतनी फोटोज नहीं देखी जितनी मैंने ये देख ली है। द जॉइंट बोटॉक्स स्ले ऑफ किंग्स, नो कॉमेंट्स। ओके नाउ फ्रॉम करण 1.0 टू करण 2.0, यानी कि ओरी, विक्रम और बेताल, ये एक्चुअली वैसे लगने लग गए, लेकिन हम ओरी के बारे में पिछले वीडियो में बहुत बात कर चुके हैं, सो द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, प्लीज वो वाला वीडियो देख लो क्योंकि आई नो कि तुमने नहीं देखा है। रजनीकांत वंस फेल्ट लाइक डांसिंग, देन मुकेश अंबानी ऑर्गेनाइज्ड अ वेडिंग ऑफ हिज सन सो ही कुड।
बिल्कुल बिल्कुल सही बात है सच्ची। इससे ना मेरे को पुराने टाइम्स याद आ गए जब रजनीकांत सर पे इतने तगड़े तगड़े जोक्स बनते थे ना कि आई कांट टेल यू। रजनीकांत सर आलू खाते हैं फ्रेंच फ्राइज निकालते हैं, रजनीकांत सर फूक मार के बंदा टकला कर देते हैं एंड लॉट मोर यार सच्ची आई मिस दोस टाइम्स। अनंत हैज गिफ्टेड ऑडियो मार्क्स बिकॉज आई डोंट नो व्हाट दैट इज बट मैंने कहीं पढ़ा था कि ये 2-2 करोड़ की घड़ियां दी हैं इसने। सो अनंत ब्रो प्लीज फॉरगेट अबाउट दिस वीडियो, कैन आई बी योर फ्रेंड। अच्छा फाइनली आज अनंत अंबानी का फेराज टूर खत्म होएगा, दैट्स अ टेलर स्विफ्ट रेफरेंस जिन लोगों को नहीं पता। सो फाइनली दीज टू न्यू रोमांटिक्स कैन सिंग लव स्टोरी क्योंकि इनके बीच है एक इनविजिबल स्ट्रिंग एंड देयर लव इज सो हाई स्कूल। बस अब कोई मेरे को ये बता दे कि क्या इनका इरादा है बिजूल्ड होकर अपनी वंडरलैंड में जाने का या ये सब अगस्त तक चलता रहेगा। It's just a question. देख लो अगर आप स्विफ्टी हो ना you have to share this video now. And the last meme of the day, rare picture of John Cena sir wasting his time. See that's brutal. लेकिन मैं सिर्फ एक चीज चाहता हूँ कि काश रणवीर ने उनसे वहाँ पे मौत के बारे में या aliens के बारे में ना पूछा हो। That's it. लेकिन एक सेकेंड इस पिक्चर में तो सिर्फ रणवीर है, John Cena तो है ही नहीं। John Cena. So guys, that was it. I hope आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया तो प्लीज शेयर करना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। डोंट फॉरगेट टू चेक आउट माय रोस्ट ऑन ओरी एंड बिग बॉस का रोस्ट भी जल्दी आ रहा है। सो आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम विद न्यू वीडियो। बाय बाय। ऑल्सो आई रियली होप कि शादी फाइनली डन हो गई हो क्योंकि और 6 महीने इसको झेलने की क्षमता मुझ में नहीं है।